खरगोन जिले के झिनिया में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के पूर्व जनता का आशीर्वाद देने के लिए जनदर्शन यात्रा भी निकाली। झिरनिया की सभा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुली जीप में बैठाकर झिरनिया से रवाना होना था, लेकिन इस दौरान जमकर बारिश होने के बाद मुख्यमंत्री खुली जीप के बजाय अपनी इनोवा कार में सवार होकर झिरनिया से मारुगढ़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम ने मारुगढ़ स्थित मंदिर में भी मत्था टेका। वहीं बारिश बंद होने के बाद मुख्यमंत्री झिरनिया के मारुगढ़ से चोनपुर, आभापुरी, शिवना, गोराड़िया और भिकनगांव तक 40 किलोमीटर तक जन दर्शन यात्रा लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम का जगह जगह आदिवासियों द्वारा जमकर स्वागत किया गया। वहीं सीएम ने भी सहृदयता दिखाते हुए उनसे उनके हालचाल जाने। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 173 करोड़ रुपए की सौगातें खरगोन जिले को प्रदान करने जा रहे हैं। कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी किया गया। अरे होती नहीं कि नहीं, आज वो मिलन हो गया, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। मेरे बहना भाई और चौथा राज्य मुख्यमंत्री बन गया, नहीं सोचता आपकी जिंदगी बदलने के लिए, बचे हुए काम पूरा करने के लिए। और जब झिरनिया के आसपास के किसान बहनों और भाइयों मुझे पता चला कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं, धरने पर बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पर बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो दो दो घंटा बिजली नहीं आती थी, आज तुम्हें बता दो, जब दिग्गी राजा ने तो कोई सिंचाई की योजना बनी थी क्या प्रदेश में? अरे जोर से बोल के बताओ, बनी थी क्या? नाटक कर रहे हैं किसानों के धरने पे। बैतूल में किसानों को किस पर गोली से बताया? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे डिब्बी जल्दी रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने अपने, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया, आज नाटक कर रहे हो। लेकिन झेलने वालों, तुम्हारा मामा आज ये फैसला कर रहा है कि नर्मदा मैया का पानी झिरनिया के और आसपास के गांव के किसानों के खेत में लेके आएगा। मैं पूरा सर्वे करवा के आया, जब आता हूं तो पूरी तैयारी से आता हूं, ऐसे नहीं उड़ के कहीं भी चल दिए। मुझे पता था झिरनिया के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुझे पता था। जब आसपास पानी आ रहा था तो झिरनिया और आसपास के हमारे विराट के भाई और बहनों के दिल कैसे धड़क रहे थे कि काश हमारे खेतों में भी पानी आता। किसान का साथ नहीं था, दिक्कत में भी है, इसकी भी चिंता मत करना, भगवान ना करे, लेकिन सूखा भी रहा तो पूरा इंतजाम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करना। और झिरनिया उन्नयन सिंचाई योजना में कितने पैसा लगेंगे बताए? प्रारंभिक अनुमान है 1400 करोड़ रुपया लगेंगे। कितने लगेंगे? अरे कितने लगेंगे? 1400 करोड़। खजाने में थोड़ी दिक्कत है, कड़की में है मामा, लेकिन कर्जा लेके भी ये 1400 करोड़ रुपया लगाऊंगा। झिरनिया वालों, पानी लेके आऊंगा, पानी लेके आऊंगा, पानी के गाय की और से क्यों कुछ बन पा रहा है? हाँ मेरे तो कभी नहीं थी, ये लिखी तो कहते थे पानी और नर्मदा जी का फजाएगा, कोई नहीं सकता, बेकार की बात। कपड़ा को नर्मदा जी के धरने में बैठा, गाय के धरने में बैठ गया, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।